हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे और होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक मैंने नया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं ये एक मंदिर का सेटअप बना हुआ है जिसकी हाइट 6 फीट हाइट है और 4 फीट की चौड़ाई है। और इसमें मैंने 2 फीट का और भाई 5 फीट का मैंने इसमें CNC कटिंग MDF डिको पॉलिश लगाया हुआ है। इसके साथ मैंने एक पीछे से बैक में एक्रेलिक और क्रीम कलर की इसमें लाइट डाली हुई है, जैसा कि मैं लास्ट में इसका वीडियो और फोटोज़ खुद आपको अपलोड कर दूंगा, आपको देखने में आसानी होगी। बाकी इसमें छोटे छोटे स्पोर्ट्स लाइट भी डाले गए हैं, हर सेल्फ पे स्पोर्ट्स लाइट भी डाले गए हैं, जिससे कि प्रॉपर इस सेल्फ पे एक एक सेल्फ पे लाइट रोशनी आनी चाहिए। साइड में मैंने जाली का पार्टीशन किया हुआ है जिससे साइड से भी थोड़ा सा व्यू दिख सके हमारे मंदिर का। उसके साथ मैंने सॉफ्ट क्लोज में ये छोटे छोटे ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट क्लोज में है। बाकी मैंने बीच में दो ड्रावर्स मैंने दिए हुए हैं। ये MDF का 12 mm का MDF है जिसको मैंने CNC कटिंग कराया हुआ है। ये पार्टी के डिमांड के अनुसार ऐसे इस पर डिज़ाइन दी गई है। इसमें हल्की किरकिरी का थोड़ा सा इसमें वो सेडिंग दिया गया है, जैसा कि आपको अभी कैमरे में नहीं समझ में आएगा। इसका मैं वीडियो लास्ट में आपको दिखा दूंगा इमेज में कि ये कैसा दिखता है। बाकी ये मैंने इसमें पॉइंटेड का लेमिनेट किया हुआ है। इसको दो कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। इसमें एक येलो कलर से और एक ये वुडन फिनिश का कलर बोल सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर, इसको मैंने कॉफ़ी कलर से मैच कराया है। बाकी ये हमारा जो पार्टीशन है, पार्टीशन को भी मैंने क्या था 12 mm के MDF से डिको पॉलिश करके इसको बनाया गया है। ये भी पार्टी की चॉइस है, पार्टी के चॉइस के अनुसार ही हम किसी प्रोडक्ट पर बनाते हैं और हर प्रोडक्ट जो लेमिनेट भी होता है वो पार्टी के चॉइस का ही होता है। ये मंदिर की आप चौड़ाई जैसा कि देख रहे हैं 4 फीट है। अकॉर्डिंग टू कोई भी मंदिर जो होता है, इसके साथ देख रहे होंगे एक ये भी मैंने रोज गोल्ड का इसमें हैंडल और रोज गोल्ड का ही इसका मैंने पावा भी दिया हुआ है, जो देखने में एक मैचिंग कलर लग रहा है। और इसमें मैंने इसके पीछे से LED का वार्म वाइट LED कलर का LED लगाया हुआ है, जैसे कि अभी रोशनी जलेगी तो मैं इसको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ मैंने 3 सेल्फ भी दिया हुआ है। इसकी दूरी लगभग 1-1 फीट की दूरी पर है ये। और इसके साथ मैंने इसका जो प्लेन ये जो ऊपर का फेस है ये प्लेन रखा हुआ है, क्योंकि इस पर मेहराब बनने का अभी वो पार्टी का डिसाइड नहीं था, इस वजह से मैंने इस पर मेहराब का कोई डिज़ाइन नहीं दिया गया है। ये प्रॉपर मैंने 16 इंची का इसके साथ मैंने टॉप दिया हुआ है, जिस पर आराम से लगभग हमारे अच्छे खासे जो मूर्तियाँ हैं और ये हमारे फ़ोटोज़ हैं वो इस पर रख सकते हैं आप आराम से, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने इसके बैक साइड से मैंने इसको डिको पॉलिश कराया हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं, ये बैक साइड से मैंने इस पर डिको पॉलिश कराया हुआ है। डिको पॉलिश में मैंने इस पर ये वाइस का वायर कनेक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वायर कनेक्शन है। ये सेटअप इसका सेटअप है। यहाँ से मैं इसको ओपन करके और इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, इसकी वायरिंग को चेंज कर सकता हूँ। बाकी ये पार्टी का ही पेलबेट है, पेलबेट की डिज़ाइन की गई है जैसा कि देख रहे हैं। अभी ये सूखने के लिए रखा गया है, अभी जब सूख जाएगा तो ये पार्टी का इंस्टॉलेशन होगा। और इसके बाद ये जाली को मैंने जाम किया है जे हुक से, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पर अभी फिनिशिंग का काम बाकी है अभी थोड़ा सा, और अभी ये पैकिंग होगा। पैकिंग होने के बाद ये पार्टी के यहाँ ये चीज़ डिलीवर्ड होगा और टोटल इंस्टॉलेशन इसमें कंप्लीट किया जाएगा। अभी मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ इस चीज़ पे लाइट का कनेक्शन करके, आपको लाइट का पूरा व्यू दिखाऊंगा। विशाल चलो, अभी मैंने इस पे लाइट का कनेक्शन कराया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें वार्म वाइट का इसमें आपको शैडो दिख रहा होगा पीछे से। और इसमें मैंने सेलअप में भी जितने भी हैं उतने में भी वार्म वाइट का मैंने स्कोप लाइट दिया हुआ है। और लाइट का कनेक्शन करने के बाद आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर रोशनी हमारे ये टॉप पे हमारे प्रॉपर रोशनी आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये सारी लाइटें 1 साल की गारंटी के साथ आती हैं। इसके साथ जो चोक है और जो इसके साथ LED है वो भी 1 साल की गारंटी के साथ हम पार्टी को पूरा तसल्ली देते हैं कि कभी भी आपकी लाइट में या वायरिंग में या फिर किसी भी चीज़ में अगर कोई फॉल्ट आते हैं आप एक बार इन्फॉर्म करें, उसको प्रॉपर अपनी तरफ से चेंज कराने का पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद ये हमारा टॉप आप जो देख रहे हैं, ये टॉप पे प्रॉपर हमको रोशनी मिल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी एक्चुअली उजाला है, इसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही होंगी,
जब इसका नाइट व्यू आपको हम दिखाएंगे, नाइट का फोटो या इमेज आपको या वीडियो दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट में ऐड भी कर देंगे, जैसा कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो मंदिर बना हुआ है इसकी प्रॉपर रोशनी कैसी आ रही है, दिखने में कैसा है। हाइट अकॉर्डिंग देख रहे होंगे, मेरी हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच के आसपास है, ये मंदिर की हाइट लगभग 6.5 फीट की हाइट है। तो हमारे मंदिर लगभग खड़े होकर पूजा करने के लिए आसान है, अच्छा है, देखने में भी लुक है और ये प्रॉपर तरीके से सब कुछ इसमें रेडी है। अब इसकी पैकिंग होगी, पैकिंग होने की भी फ़ोटोज़ मैं इसमें अपडेट कर दूंगा और इसके बाद ये इंस्टॉलेशन के लिए पार्टी के घर पे जाएगा और प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होगा। उसके बाद का लास्ट फ़ोटोज़ मैं पार्टी से डिमांड करूंगा, अगर वो दे देते हैं तो मैं उसका फ़ोटो भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ मंदिर आखिर घर में लगने के बाद कैसा लुक देता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही प्यार और बनाए रखिए और ऐसे ही हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लेके आते रहेंगे और भी डिटेल देते रहेंगे। अभी ये मेरी वीडियोस कुछ स्टार्टिंग वीडियोस हैं तो थोड़ा थोड़ा इसमें मिस्टेक भी हुआ होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा और आप सभी का साथ ऐसे मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार,